जी बेटा, अब एपी में मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर दो कंसेक्युटिव टर्म्स में डिफरेंस जो है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए, हम उसे क्या कहते हैं, एपी करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने जीपी भी समझाई थी ना आप लोगों को, वहां पर समझाया था कि मैंने अगर बेटा दो कंसेक्युटिव टर्म्स की रेशियो सेम आ जाए, है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, जीपी में कहते हैं। और फिर मैंने आपको जनरल टर्म एपी की जनरल टर्म जो है मैंने लिख के बताई थी, व्हाट दैट इज, कि मेरे पास जो है a a + d a + 2d सो ऑन a + n - 1 * d। और फिर मैंने आपको जनरल टर्म बताई थी, टी एन जो है वो a + n - 1 * d होता है, किया था ये हमने सारा, ठीक है। फिर जो है अगर पीछे से कोई टर्म बतानी है, इफ आई वॉन्ट टू टेल यू, मान लीजिए कि मेरे पास जो है 10 टर्म्स है, आई एम हैविंग t1 t2 t3 t4 so on t10, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट के लिए बेस्ट क्या होता है, इस सीरीज को उल्टा कर लो, इस सीरीज को क्या कर लो, उल्टा कर लो। तो वी कैन राइट t10 t9 t8 so on t2 t1। मतलब अब जो a है वो फर्स्ट टर्म बन जाती है, मींस वो t10 बन जाता है। और कॉमन डिफरेंस जो नॉर्मल होता है ना, कॉमन डिफरेंस जो है नॉर्मली जो होता है, मान लो यहाँ 5 निकला तो इसमें क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, तो डी जो है वो नेगेटिव ऑफ प्रीवियस डी बन जाता है। ओके, जो पीछे डी होगा उसका नेगेटिव। तो आराम से आपको थर्ड टर्म का है थर्ड निकाल लो, सेकंड का है सेकंड निकाल लो, जो भी पीछे से का है वो आपसे आगे से वो टर्म बन जाएगा। समझ आ गई मेरा बेटा? हाँ, वो भी है, वो भी कराती हूँ आपको, वो भी कोरिलेट करके हम बता सकते, ठीक है। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चंस। अच्छा, एस एन भी बता दूं आपको साथ ही, चलो एक बार रिकॉल कर रही हूँ। एस एन जो है वो n/2 2a + n - 1 * d है। ओके बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। वैसे बता दूं कि जो क्वेश्चंस में एएम वाला नया कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चंस है हम एक्स्ट्रा में आपको पहले ही करवा देते, +1 वाले ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करवा देते। ओके जी, चलिए तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 9.2। आप लोग ही मुझे बताओगे, बिकॉज ऑल द कॉन्सेप्ट इज प्रीवियस वन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, जो गए फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। स्टार्ट होता है पीछे से, श्रेया बेटा लास्ट में, श्रेया बैठी है ना। हाँ जी बेटा, टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। बेटा 1 2 3, 2 तो लेना ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने सम किसका लेना है, ऑड इंटीजर्स का। तो दैट मींस 1 3 5 7, लास्ट 2001 आएगा। इससे प्रीवियस वन क्या आएगा, 1999। ओके जी, 2 माइनस कर दो ना, सिंपल सी बात है। वैसे तो नहीं भी लिखते तो चलता, अब मुझे क्या चाहिए, सम के लिए यू नीड एन, यू नीड ए, यू नीड डी। आपको ए पता है 1 है, आपको डी पता है 3 - 1 कितना है, 2। और अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन। एन कैसे श्रेय कैलकुलेट करेंगे बेटा,
वेरी गुड, एन इज इक्वल टू 2001 और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और बेटा ए की वैल्यू वन दी है, एन आपने निकालना है, डी आपको टू दिया है, तो एन माइनस वन इंटू टू इज 2000 और ये बिल्कुल जी, और एन की वैल्यू 1001 आ जाएगी। अब एन आ गया, ए आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा काव्या, बेटा एस एन का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? दोबारा रिपीट करना, नो नो, ये काव्य क्या हो गया बेटा? एस एन इज एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या तो ये लगा सकते हैं या एन बाय टू ए प्लस एल। ओके, ए भी दिया है, लास्ट टर्म भी दी है, तो बेटर है हम ये यूज कर ले। एन हमने निकाल लिया है 101 बाय 2, ए इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 2001। सॉल्व इन एंड गेट योर आंसर बेटा। ओके, क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? चले अगले क्वेश्चन में, चलिए डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी काव्या से नेक्स्ट वृत्ति बेटा, व्हाट विल बी द मेथड फॉर द सेकंड क्वेश्चन? I am reading the second question. Find the sum of all natural numbers between 1000 and 1000 which are multiple 100 and 1000. Between 100 and 1000 which are multiple of 5. हाँ जी, हंड्रेड को डिवाइड करें 5 से, 1000 को डिवाइड करें 5 से। डिवाइड क्यों करना? व्हाई यू आर डिवाइडिंग इट? जब मुझे पता है सीरीज निकालने के लिए, तो पहला नंबर, एक मिनट वृत्ति बताएगी, फर्स्ट नंबर क्या होगा? हंड्रेड क्यों नहीं लिया? तो ए एक बीच में लेना, बिकॉज बिटवीन वर्ड इज रिटन, दैट मीन्स ना तो मैं 100 ले सकती हूँ ना मैं 1000 ले सकती हूँ, बिटवीन इज मेंशन। यही अगर यहाँ होता फ्रॉम 100 टू 1000 तो मैंने 100 भी ले लेना था, 1000 भी ले लेना था, 5 पे तो जाता ही है ना ये दोनों, तो मुझे डिवाइड कर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सीधा पता है अगर 100 पहला नंबर जा रहा है वो मैंने लेना नहीं है, तो अगला नंबर क्या हो गया 105, तो पहला नंबर 105, लास्ट नंबर 995। ओके बेटा, ए मुझे पता चल गया 105, डी मुझे पता है 5 है, टी एन इज 995। ओके, अब क्या निकालना है मेरे पास? एन निकालना है। अब क्या करें? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हाँ जी 105, एन आई नीड टू कैलकुलेट 5995, एन माइनस वन इंटू 5995, 105, हाँ जी 098। ओके जी, लेट अस डिवाइड इट बाय 5, एन माइनस वन 890 बाय 5 137 और 35 36, 6 बच रहा है बेटा, 35 4, 177, एन की वैल्यू 178, 178 है, हाँ जी यस 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 178, तो यहाँ 179 हो गया,
कटिंग देख लेना बेटा। ओके जी, तो एन की वैल्यू 179 आई। अब बेटा ए इज दिस, डी इज दिस, या ए और लास्ट टर्म भी दी है, तो सीधा हम एस एन निकालना है। तो एन बाय टू और बेटा ए मेरे पास 105 है, लास्ट टर्म 995 है। सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा, क्लियर? नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हां जी, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड? इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज टू एंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म इज 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट फाइव टर्म्स। व्हाट डज इट मीन्स? हां जी दिव्यांशी, तो मैं कैसे लिखूं नेक्स्ट फाइव टर्म्स, कैसे लिखूं? मैं आपसे ये पूछ रही हूं, अगर मैंने ये बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ द नेक्स्ट फाइव टर्म्स। Yes, S 10 माइनस S 5, आप पूरी 10 सम में से क्या कर लो, फर्स्ट फाइव टर्म्स का सम क्या कर दो, माइनस। ये हम 10th में कराते हैं आप लोगों को चीजें। ओके बेटा, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना। अब मुझे क्या कहा है उसने, शो दैट द 20th टर्म T20 इज माइनस 112। मुझे ये कैलकुलेट करना है, मतलब ये शो करना है। अब मुझे ये दिया है, मुझे ये दिया है। ओके बेटा, अब क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले, ठीक है? ये तो फर्स्ट टर्म दिया है, दैट मींस ए इज गिवन टू यू। अब मुझे किसी तरह से डी पता चलता है ना, तो मैं T20 निकाल सकती हूँ। अब डी कहाँ से पता चलेगा बेटा? यही से पता चलेगा। पहले इसको 4 को उधर ले जाओ। अगर आप 4 को उधर ले गए, 4s5, s10 माइनस s5, इसको इधर ले जाओ। ये 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम है ना, कितनी बार हो जाएगा? 5 टाइम। तो दैट मींस 5s5 इज s10। अब फॉर्मूला लगाइए दोनों में, 5 by 2 2a प्लस 4d, यही होता है ना, दैट इज इक्वल टू इधर 10 by 2 2a प्लस मेरे पास हो गए 9d। अभी ये कट गया 5, इधर 10 by 2 a की वैल्यू है कितनी है 2, पुट कीजिए। हां जी ओके, चेक कर लेते हैं बेटा। हां जी हां जी बिल्कुल जी, 5 2a, a की वैल्यू पुट की 2 9d। अब बेटा सॉल्व कीजिए, मेरे पास व्हाट वी विल गेट हियर, 2 को उधर ले जाओ, 25 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये काट भी सकते हो, 5 और 5, उतनी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। ओके, 20 प्लस 20d इज इक्वल टू, हाँ जी 2 उधर चला गया, 8 प्लस 18d, हाँ जी d वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, माइनस 12 और d की वैल्यू -6, a भी है 2, d भी है, तो बेटा T20 a 2 है बेटा, दैट इज गिवन इन द स्टेटमेंट। हाँ जी, तो a प्लस 19d, ए की वैल्यू 2 19 into -6, हाँ जी बेटा 2 माइनस, हाँ जी 54 माइनस 112, यही प्रूफ करनी थी।
आर्यमान हैव यू डन? कर सकते हैं, उसमें टाइम कितना लगेगा ना, हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम। आना बेटा, ये कॉन्सेप्ट ना आपको पता होना, आशुतोष मैं कुछ कह रही बेटा, ये कॉन्सेप्ट सबको आना जरूरी है, आगे कॉम्पिटेटिव में भी बहुत हेल्पफुल है वैसे भी बेटा। ओके, सो दैट्स व्हाई, अंडरस्टैंड इट। कोई मुश्किल थोड़ा है, मुश्किल हो तो मैं कहूंगी कोई बात नहीं उससे कर। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी विल बी टेकन टू गिव द सम -25? हाँ जी, कितनी टर्म्स ली जाए? चलो मन्नत, नाइट्स योर डिफरेंस निकाले, दैट मीन्स डी निकाले। हाँ जी, 1/2 आया। हाँ जी, सम दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालेंगे इज -6। एस एन का फॉर्मूला लगाइए, है ना, दैट इज मेरे पास एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सम दिया हुआ है -25, एन मुझे कैलकुलेट करना है, टू ए दैट इज -6, एन माइनस वन और डी कितना है 1/2। अब देखो 1/2, चलो यहां नहीं है, सॉल्व भी कर लेते हैं, ये 2 पहले उधर लेके जाते हैं, ये -50, एन -12 प्लस एन बाय टू -1/2। ओके जी, नाउ टेक एलसीएम, -24 प्लस एन -1 मेरे पास -100, एन इंटू एन -25, ओपन द ब्रैकेट्स, ओपन द ब्रैकेट्स, हाँ जी मेरे पास क्या है यहां पर, मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, प्लस माइनस करें तो -25 आए। हाँ जी चेक कीजिए, 20 और 5, 20 बेटा -20 प्लस 5, अगर ओके जी, अब देखिए यहां पर यू आर गेटिंग टू आंसर्स, एन कोई नेगेटिव तो नहीं है, अगर एक नेगेटिव या फ्रैक्शन होता तो मैं उसको रिजेक्ट कर देती, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, बट क्योंकि यहां पर मेरे पास जो है एन दोनों पॉजिटिव हैं, तो मुझे इसको कंक्लूड भी करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि हमने बहुत बार टेंथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था या एनसीईआरटी में भी था, एक्सप्लेन द डबल आंसर, एक्सप्लेन द डबल आंसर मतलब व्हाई यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एन, व्हाई यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ एन, उसका रीजन देखिए। अगर ए मेरे पास क्या थी इस समय, -6, यानी वैल्यूज आगे अगर देखूं, ए इज -6, डी कितना था 1/2 था ना। अब जरा देखिए बेटा, अगर मैं इसकी इसको क्या करूं, इसका सम निकालूं,
मतलब मैं एक सीरीज लिखूं पहले, फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मेरे पास जो है माइनस सिक्स प्लस जो है थ्री बाय टू, फिफ्थ टर्म फोर बाय टू, मैं सॉल्व कर रही हूं माइनस इलेवन बाय टू, माइनस फाइव, माइनस माइनस नाइन बाय टू, माइनस फोर, ये वैल्यू कम हो रही है और किसी जगह जाके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जीरो के बाद पॉजिटिव, आगे को बढ़ रही है ना, जब ये बढ़ रही है, बढ़ने पे जीरो के बाद जब पॉजिटिव आएगी, कहीं ना कहीं वैल्यू माइनस सिक्स भी आएगी, कहीं ना कहीं वैल्यू माइनस इलेवन बाय टू आएगी, कहीं पे फाइव आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, डजंट मैटर, जब वो आएगी वो क्या होगा, कटिंग हो जाएगी, इसके साथ कटिंग हो जाएगी, तो वो करते करते मान लीजिए 20 तक या 16 वैल्यूज सारी कट गई, जो बाकी बची 9 वैल्यूज, उनका सम क्या हो जाएगा, माइनस 20। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग टू आंसर्स, एक फाइव, ये फाइव टर्म्स है ना, इनका सम कर लो, आंसर माइनस 25 ही आ रहा है। जब आप इसके बाद बढ़ाते जाओ, इससे नेक्स्ट टर्म लिखोगे माइनस सिक्स प्लस फाइव बाय टू, ये कितना हो गया माइनस ट्वेल्व, सेवन बाय टू, इससे अगली लिखो माइनस सिक्स प्लस थ्री, आंसर कितना आया माइनस थ्री, आगे लिखिए मेरे पास जो है माइनस सिक्स प्लस सेवन बाय टू, तो दैट इज माइनस जो गए फाइव बाय, माइनस फाइव बाय टू, आगे लिखोगे माइनस सिक्स प्लस फोर, जैसे मर्जी, डजंट मैटर बेटा, माइनस मेरे पास टू, ये करते करते मेरे पास आगे टर्म जो चल जाएगी, आप हर एक में वन बाय टू ऐड करते जाओ, अगर ऐड करोगे तो कितना आंसर आया मेरे पास, माइनस थ्री बाय टू, आगे वन बाय टू ऐड करोगे, आंसर कितना आया मेरे पास, टू माइनस वन, आगे ऐड करोगे वन बाय टू, करते जाओगे ना कहीं ये टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसलिंग होनी शुरू हो जाएगी, और फर्स्ट 25 टर्म्स का जो है सम भी कितना इन आया था, हाँ फर्स्ट 20 टर्म्स का सम भी माइनस 25 ही बनेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एज इट इज टर्म कैंसिल हो, ये भी हो सकता है यहाँ माइनस 11 बाय 2 है और उधर आगे जाके, क्योंकि टर्म्स आगे इंक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव वाली छोटी वैल्यूज उनका ऐड करके पॉजिटिव वैल्यूज का वो भी ऐसे बन रहा हो 11 बाय 2, कटेगा तो सही ना, अल्टीमेटली आंसर वो भी सम कितना आएगा, माइनस 25 बेटा, नहीं वी गेट टू जो गे एंड्स एंड वी हैव टू एक्सेप्ट बोथ, बिकॉज जो गे नेगेटिव टर्म्स जो गे, आप सिंपल लाइन में लिख दो द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स इज ऑल्सो माइनस 25 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज ऑल्सो माइनस 25, नथिंग कैन बी रिजेक्टेड हियर, ओके जी, इज इट क्लियर, अगर पूछा एक्सप्लेन द डबल आंसर तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे ही करोगे, समझ आ गई, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई सबको, चलो मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, इन एन एपी इफ पीएथ टर्म जो गए पीएथ टर्म इज वन बाय क्यू एंड क्यूएथ टर्म इज वन बाय पी, प्रूव दैट द सम ऑफ पी क्यू टर्म इज वन बाय टू पी क्यू प्लस वन,
ओके बेटा, अब क्या करेंगे यहाँ पर? सिंपल, ए और डी निकालना है तभी एस निकाल सकते हैं ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी वन बाय क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी वन बाय पी, सब्ट्रैक्ट कर दे, ए ए कैंसल, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी वन बाय क्यू माइनस वन बाय पी, वन वन कैंसल, डी की वैल्यू ये भी एलसीएम ले लो, पी माइनस क्यू पी क्यू पी माइनस क्यू कैंसल, डी इज वन बाय पी क्यू। ओके अब बेटा मेरे पास हो गए, डी आ गया, ए कैसे निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ए प्लस पी माइनस वन, बेटा डी कितना था वन बाय क्यू, तो दिस इज वन बाय पी क्यू था, इधर वन बाय क्यू, अब इसको ओपन कर ले, प्लस वन बाय क्यू वन बाय पी, अब ये क्लियर कट कट गया, बिल्कुल जी। अब मेरे पास क्या आएगा यहाँ, ए की वैल्यू वन बाय पी क्यू। अब बेटा एस पी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, एन बाय टू टू ए, ए की वैल्यू सीधा पुट कीजिए, प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, और डी कितना था वन बाय पी क्यू। समझ आ गई बेटा, सॉल्व इट एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ बेटा मेरे पास हो गए। सबसे पहले सिक्स है, बहुत इजी है, नेक्स्ट टर्न किसकी है बेटा? चलो बेटा चिराग, इफ द सम ऑफ द सर्टेन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म, यानी टी एन निकाल, ओके ओके निकालिए, बताइए कैसे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बनाइए बेटा सभी, ऑल ऑफ यू स्टार्ट डूइंग, मेक क्वाड्रेटिक एंड टेल मी कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं, जल्दी बेटा मेक क्वाड्रेटिक एंड टेल मी कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं। हरिया बेटा, विच टू वैल्यूज यू गेट फॉर एन, आर्यमन उसने पेपर में साथ नहीं जाना, अरनूर बेटा कौन सी दो वैल्यूज आई, जल्दी करो शाबाश, जल्दी जल्दी बेटा। इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए,
यही क्वाड्रेटिक आई है। अब अगर आपके रूट्स नहीं बन रहे हैं, आपको नहीं पता चलता, बेटा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लो सीधा ही, n इज इक्वल टू 8 और 9.6। हाँ मैं भी n की वैल्यू पूछ रही हूँ, 8 और दूसरी अगर 9.6 आ रही है तो वो रिजेक्ट ही हो जाएगी, तो एक ही एक्सेप्ट होगी, है ना। बट फिर भी अगर आपके जीरोस जो है रूट्स नहीं निकलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a 53 प्लस माइनस बी स्क्वायर, हम दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं इसीलिए, बाय 2a 6 लेट अस टेक 53 प्लस माइनस, हाँ जी 53 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं बेटा सारे ही, लेट मी चेक, नो नो बेटा 232 को 12 से करें, कहां पर बेटा, हाँ बिल्कुल जी, बिल 28 ही आएगा, ये देखिए 9 15 15 1, जब किया आज तो 1 कैरी तो 8 ही आना बेटा, जो कर रहे हो अच्छा बोलो आंसर बोलो, 2 7 8 4 over 6 सॉल्व करके माइनस करके कितना आया, ओके बाय 6 एक 8 आया और एक फ्रैक्शन में आ रहा है, उसको क्या कर देंगे रिजेक्ट, यहाँ कोई डबल आंसर का काम नहीं होगा, ये सिर्फ मैंने आपको रिकॉल करने के लिए बताया, वैसे इतने बड़े बच्चे हो गए ये बताते नहीं आगे हम, because you have not given the 10th class paper, that's why हमें पुराना recall करवाना ही पड़ता है, okay? Is it clear to everybody? ठीक है? अब आपका homework है, try to do questions up to 13, पुराने 10th पर based है, up to 14, I will ओके 13 आई विल टेक योर प्रॉब्लम्स ओनली प्रॉब्लम्स आई विल टेक ओके टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।